नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी ने राजस्थान में दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज पर लगातार हो रहे अन्याय, अत्याचार के विरोध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अशोक जोनवाल ने बताया कि भाजपा शासन में भी कांग्रेस की ही तरह दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों पर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं हो रही है। राज्य सरकार प्रभावी भूमिका नहीं निभा रही। अभी हाल ही के महीनों में सलमपुर जिले के अदवास गाँव में दलित समाज के अध्यापक शंकरलाल की तलवार से गला काट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। भीलवाड़ा में दलित बालिका के साथ अध्यापक द्वारा जाति के नाम से बेरहमी से मारपीट की गई। जालौर में पिछड़े वर्ग के बसपा के 2013 में प्रत्याशी रहे विजय देवासी की घर में सोते हुए हत्या की गई। डिगजिले के कुमेर में पिछले वर्ष कुमार समाज के युवा की पुलिस द्वारा गोतस्कर के नाम पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बहुजन समाज पार्टी ने मांग की कि प्रभावी कार्रवाई की जाए और सरकार से पीड़ित परिवारजनों के लिए आर्थिक सहायता और एक व्यक्ति को नौकरी की मांग भी दोहराई गई। साथी, जैसे कि आपको पता है कि हमने आज महामहिम राज्यपाल के नाम में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर आए दिन दलित परिवारों पर लगातार जो अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं, कि सरकार चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनके चेहरे जरूर बदले जाते हैं लेकिन सरकार वही उन्हीं मनवादी व्यवस्था वाली की सरकार जो बनती है, आए दिन हमारे दलित परिवारों पर, दलित समुदाय के ऊपर जो अत्याचार होता है। अभी हाल ही में सलूमबर में जो दलित अध्यापक की जो गला काट करके हत्या कर दी, और जैसे भीलवाड़ा में दलित बालिका को अध्यापक ने इतना पीटा कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, और जालौर में पिछले वर्ग के हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे, उन्होंने सोते हुए गए कि उनका निर्मम हत्या कर दी, और बीग कुमेर जिले में यानी कि जो गाय के नाम पर जो तस्कर के उसको आज की जो आदिवासी सबके बच्चे के साथ उन्होंने रेप करके उनको मेरे हमेशा उनको मारकर मौत घाट उठा दिया। इन सभी बातों को लेकर आज हमें महामहिम राष्ट्रपाल जी के नाम को ज्ञापन सौंपा है। साथियों, अगर ऐसा चलता रहा तो हम आगे आगामी समय पर आंदोलन करके इनका धंधा प्रसन्न ज्ञापन को दिया है हमने, लेकिन आगे हम आंदोलन भी करेंगे सरकार के खिलाफ।